देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं, हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं बने। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से अभी तक इस पद का कोई अध्यक्ष नहीं बन पाया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं इस चुनाव के लिए नामांकन करूंगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। वहीं केरल में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने कहा, मैंने राहुल गांधी से कई बार बात करने की कोशिश की है कि उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी यही प्रस्ताव पास किया है, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि इस बार गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। गहलोत ने कहा कि ये तय है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं जल्द ही नामांकन दाखिल करने के लिए तारीख तय करूंगा। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। गहलोत के इस बयान के बाद राजनीति गलियारों में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की हवाएं भी तेज हो गई हैं। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि यदि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो राजस्थान मुख्यमंत्री का पदभार किसे दिया जाएगा, यानी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जिसके कंधों पर प्रदेश की बागडोर रहेगी। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक्टिव हो गए हैं। सचिन फिलहाल जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पायलट ने विधायकों से संपर्क साधना भी शुरू किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट ने कई ऐसे विधायकों को भी शामिल किया है जो उनके कट्टर विरोधी थे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान एक व्यक्ति एक पद सामने आने के बाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद को छोड़ने के साफ संकेत दिए हैं। इसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति में उठापटक मची हुई है। सियासी गलियारों की माने तो गहलोत सीएम पद छोड़कर ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। वहीं सचिन पायलट सीएम पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जयपुर से लेकर के नई दिल्ली तक चर्चा बनी हुई है। सभी के मन में ये सवाल है कि क्या कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत के हाथ ही आएगी। अगर गहलोत बतौर अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे तो सीएम पद से मुक्त होंगे। राजनीतिक गलियारों में ये भी सवाल सभी के जहन में उठ रहा है। हाल ही में कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, तभी यहाँ एक महिला रिपोर्टर ने सचिन पायलट से सवाल किया था कि क्या मैं राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। इस पर मुस्कुराकर पायलट ने जवाब दिया कि भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ फैसले लीडरशिप को लेने हैं, लेकिन हम सभी की सामूहिक मंशा ये है कि हम मजबूत होकर निकलें। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।